इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। डॉक्टर सत्यदेव प्रजापति ने पेश की मिसाल, कोविड-19 के चलते पूरा देश परेशान है। दूसरी तरफ अमेठी जनपद के इन्होंने के डॉक्टर सत्यदेव ने सैकड़ों परिवारों को अपनी तरफ से खाद्य सामग्री, भोजन, फल, दूध गुप्त में वितरण कराने का कार्य किया और कहा कि सभी लोगों से अपील करता हूं कि चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। जरूर महामारी बीमारी हिंदुस्तान से जाएगी। और कहा कि हमारा ऐसे ही लोगों की मदद करना शौक है। हमारे क्लिनिक में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए मरीजों को देखा जाता है और दवा दी जाती है। अमेठी से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। यदि अगर एक किलो किसी को सब्जी वितरण कराने का कार्य करता है तो 1000 बार मिट्टी को भी दिखवाता है। जी जी बिल्कुल, आप क्या करना चाहते हैं? जी देखिए, मदद आपको करनी है तो मदद आप कीजिए, लेकिन आपको इसके लिए आपको ये सरकार बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये काम कि जैसा कुछ भी दिए हैं तो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मदद कर रहे हैं तो मदद कीजिए, वो ऊपर वाला देखता है किसी भी आप कितनी मदद कर रहे हैं। यानी जो फोटो खिंचवाने का कार्य करते हैं इसका सर्टिफिकेट भगवान देगा, बाकी यहाँ से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि इस महामारी चलते आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन हो रहा है, क्या दूरियाँ होनी चाहिए क्या? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है मिनिमम 2 गज मिनिमम 1 मीटर की दूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी मतलब किसी भी सरफेस पर भी रह सकती है और टच करने से, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए कि हाथ हम मिलाएं और मिनिमम दूरी बना रखें, बार बार साबुन से हाथ धुलें, बस बचाव ही बीमारी का, क्योंकि बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं होगा। सिर्फ बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही बढ़ने में मदद करेगा। इम्यून सिस्टम मजबूत करके रखें, और जो रोगी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल घर से बाहर निकलने की यही अपील है। जनता समाज से यही अपील है, बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इस महामारी के चलते जैसे डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, क्या कामना करते हैं, सोचते कि हमारे देश से महामारी बीमारी जाए? जी बिल्कुल, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, जो भी शक्ति है, जो भी है पावर है, उसे यही प्रार्थना करता हूँ कि कैसे भी करके ये महामारी निकले, लेकिन उसमें लोगों को सहयोग बहुत जरूरी है। लोग समझें, सिर्फ सरकार और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन या लोगों को उसी पर भरोसे न रहें, लोग खुद समझदार बने, जागरूक बने और बीमारी से बचें। अच्छा, सभी जिम्मेदार इस घड़ी में समाज में देखने को मिलता है, जैसे आपने मदद की, जरूरतमंद परिवारों को ज़्यादा सो नहीं किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसे ही दुख की घड़ी में आप हमेशा क्षेत्र के लोगों को, जरूरतमंद परिवारों को मदद करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरे पास है, मेरे पास कुछ है देने के लिए तो मैं देता रहूँगा, क्योंकि कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं जीवन में, कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपकी मदद है वही कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमिर हुसैन, इंडिया तक लाइव टीवी से सिंक्रोनिटी। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।